नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि टेनोटमी के बाद में एक्सरसाइज कैसे करते हैं। मेरे से पूछा गया था कि सर बड़ी दिक्कत आती है, आप एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें मालूम पड़े कि हम एक्सरसाइज कैसे करते हैं। सो टेनोटमी बेसिकली क्या होती है? टेनोटमी में पीछे से जो टाइट टेंडन होता है, जिसे हम टेंडो एक्लिस बोलते हैं, उसको हम कट कर देते हैं। कट करने के साथ ही क्या होता है कि जो पीछे का जो ये इक्वाइनस डिफॉर्मिटी है वो करेक्ट हो जाता है। करेक्ट होते वो ऊपर की तरफ लेके आ जाता है। तो हमें बस क्या करना है कि इसको पीछे की जो टेंडन्स है, पीछे की जो टिश्यूज़ हैं, कैप्सूल है, जॉइंट है, जो हमने जो टेंडन कट किया उसको स्ट्रेच आउट करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लंबा टेंडन बने। उसके लिए आपको टेंडन फुट को क्या करना है, फुट को बाहर करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि ये जो पंजा जो है, जो ऊपर का जो फुट का जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको जितना हो सके ऊपर ऊपर टच कराने की कोशिश करनी है, ऊपर इससे लेग के आगे वाले हिस्से से, लाइक दिस। ठीक है, जितना आप इसे स्ट्रेच करोगे उतने ही पीछे की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उतने ही ज़्यादा खिंचेंगे और आपके बच्चों को उतना ही अच्छा आराम मिलेगा। तो करना बड़ा सिंपल है, पंजे को पहले बाहर करना है, बाहर करके ऊपर करना है। ठीक है, किसी किसी बच्चे में दर्द ज़्यादा होता है, परेशान होता है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा जेंटल, शुरुआत में थोड़ा जेंटल हो सकते हैं, क्योंकि टेनोटमी के जस्ट बाद थोड़ा सा बच्चा हो सकता है क्राई करे, तो उसके लिए आप स्टार्ट विद जेंटल एक्सरसाइजेस, एंड धीरे धीरे आप कोशिश करें कि उसे ऊपर लेके जाएं, पहले बाहर फिर ऊपर की तरफ। ठीक है, जिससे पीछे की जो जॉइंट्स हैं, जितने वो हैं स्ट्रक्चर्स हैं, वो ज़्यादा स्ट्रेच हुए। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, एक बच्चा है तकरीबन 6 महीने का, उसको मैंने टेनोटमी की थी तकरीबन 5 महीने पहले, अभी वो पूरी तरह से ठीक है, पंजा पूरा ऊपर जा रहा है, पूरा फुल फुल करेक्शन है बच्चे में। उसमें मैं वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, पंजे को पहले बाहर करना, बाहर करके ऊपर ले जाना। ठीक है, उस बच्चे में आपको रिक्वेस्ट करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। इस बच्चे को 5 महीने हो गए ऑपरेशन से, है ना? तो जूते पहना तो ये 5 महीने हुए हैं। ठीक है, तो पूरा करेक्शन है, पंजा पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, फुल करेक्शन है। ये यहाँ पे छोटा सा सर्जरी हुआ था, अदरवाइज पैरों में मूवमेंट पूरी है, ये पूरा टच हो पा रहा है यहाँ से। और दूसरे पाँव को देखें तो दो दूसरे पाँव को, इसको बाइलेटरल क्लब फुट था, तो पंजा पूरा ऊपर जा रहा है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज कैसे करनी है? तो एक्सरसाइज बड़ी सिंपल सी है, बहुत जेंटल हाथों से करनी है। इसमें पाँव को बाहर की तरफ करना है इस तरीके से, पहले बाहर और फिर ऊपर, पहले बाहर फिर ऊपर। ठीक है, बाहर ऊपर, बाहर ऊपर। ठीक है, बाहर ऊपर। ठीक है, उंगलियों को नहीं छेड़ना, बाहर और ऊपर, बाहर और ऊपर। सेम इसी तरीके से इसमें बाहर और ऊपर, बाहर और ऊपर।